हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप सो के सब बिल्कुल ठीक होंगे। सो गाइस, आप देख रहे हैं कि लास्ट वीडियोस में काफी टाइम से हमारी सीरीज चल रही है स्किन केयर की। जो वीडियो है इसका भी हमारा जो टॉपिक है वो स्किन केयर से रिलेटेड है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आपको स्किन केयर से रिलेटेड वीडियोज़ बता चुकी हूँ, जिसमें मैं आपको ऑयली स्किन की प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है, कॉम्बिनेशन स्किन के बारे में बताया है, ड्राई स्किन के प्रोडक्ट्स उसके बारे में बताया है, बहुत सारी फॉर ऑल स्किन टाइप मैंने आपके साथ शेयर की है। तो बस आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे 5 स्किन केयर मिस्टेक्स दैट एवरी गर्ल शुड नो। तो आपको बिल्कुल नहीं पता होता, बिल्कुल आपको आइडिया नहीं होता कि आप डेली रूटीन में कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जो कि आपको लग रहा होता है, समटाइम आपको ऐसे लग रहा होता है कि आप स्किन केयर भी कर रहे होते हैं उसके बावजूद आपकी स्किन ख़राब हो रही होती है, आपके पिंपल्स होते हैं, रिंकल्स होते हैं, फाइन लाइंस होती हैं, उसके बाद हमारी पिगमेंटेशन होती है, हमारी सन टैनिंग होती है। तो मतलब हम लोग सारी जो स्किन की प्रॉब्लम्स हैं उनको साथ साथ लेके चल रहे होते हैं स्किन केयर करने के बावजूद। तो ये सबसे बड़ी हमारी जो मिस्टेक सबसे बड़ी क्या है वो ये है कि हम लोग सही चुनाव नहीं करते, यानी कि हम लोग सिलेक्शन नहीं ठीक करते स्किन केयर की। यानी कि हम अगर हमारी स्किन टाइप है ऑयली तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल स्किन वाली स्किन केयर, और अगर हमारी नॉर्मल स्किन केयर है तो हम ऑयली वाली यूज़ कर रहे हैं, अगर हमारी ड्राई स्किन है तो हमें आइडिया नहीं होता। वैसे आजकल तो इतनी अवेयरनेस है, मतलब सब प्रोडक्ट्स के ऊपर उन्होंने डिटेल में मेंशन किया होता है प्रॉपर कि ये फॉर ऑल स्किन टाइप है, ये ऑयली स्किन के लिए है, ये ड्राई स्किन के लिए है, तो अब तो मतलब कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन फिर भी गर्ल्स काफ़ी मिस्टेक करते हैं, मार्केट में जाते हैं तो वो चीज़ों की अट्रैक्शन ही ऐसी होती है कि दिल करता है कि सब कुछ खरीद ले, लेकिन हमें जस्ट गर्ल्स वही चीज़ें लेनी चाहिए जो कि हमारी स्किन के अकॉर्डिंग होती हैं। और दूसरे नंबर पर जो हमारी मिस्टेक है वो ये है कि हम लोग मेकअप लगा कर सो जाते हैं, यानी कि हम लोग प्रॉपर मेकअप कर लेते हैं, इतना टाइम लगा के मेकअप कर सकते हैं लेकिन हम मेकअप उतार के नहीं सो सकते। तो स्किन केयर से रिलेटेड ये बहुत बैड हैबिट है कि हम लोग मेकअप जो है वो रात को रिमूव करते हैं। रात को हमें प्रॉपरली क्या करना चाहिए कि जब भी हम लोग मेकअप करें, मेकअप तो हम लोग डेली रूटीन में कुछ ना कुछ तो हम लोग ज़रूर अप्लाई करते हैं, एटलीस्ट आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते यार, आप लोग फेस वॉश एटलीस्ट करके सो जाएं। और बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप एक आप अगर इतना टाइम लगा लेते हैं मेकअप करने में तो जस्ट आपके 2 से 3 मिनट लगेंगे, आपने क्या अच्छा से मॉइस्चराइजर वाटर ले लें, उससे आप अपना मेकअप जो है वो रिमूव कर लें, और उसके बाद जस्ट आप सिंपल पानी से वॉश कर लें या फेस वॉश से अपना अच्छा सा फेस वॉश कर लें इनफ, और उसके बाद अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा के आप सो जाएं अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है। लेकिन आप मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना मेकअप जो है वो रिमूव, जब हम मेकअप रिमूव नहीं करते तो उससे फिर क्या होता है कि हमारी स्किन जो वो डैमेज हो जाती है, हमारी जो पोर्स क्लॉग बन जाते हैं, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, वाइट हेड्स हो जाते हैं, फिर उससे ये होता है कि जब डर्ट निकलती नहीं है तो वो पिंपल्स की सूरत में बाहर आते हैं, तो एक्नी बन जाती है, तो एक्नी का बहुत इशू हो जाता है, पिगमेंटेशन बनना शुरू हो जाती है, डार्क सर्कल आना शुरू हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि फाइन लाइंस भी इससे बनते हैं। सो गाइस, अवॉइड दिस हैबिट कि आपने कभी भी, आप प्रॉमिस करें कि रात को आपने मेकअप जो है लगा के बिल्कुल। माय थर्ड मिस्टेक ये है कि हम लोग SPF नहीं यूज़ करते अपनी डेली रूटीन में, सनब्लॉक नहीं यूज़ करते। एक सनस्क्रीन का यूज़ करना कितना इंपॉर्टेंट है वो मैं भी आपको बताती हूँ कि अगर आप सनस्क्रीन नहीं यूज़ करते अपनी डेली रूटीन में तो उससे जब डायरेक्ट आपकी सन रेज आपके फेस पर पड़ती हैं तो सन रेज से फिर ये होता है कि डायरेक्ट आपकी स्किन डैमेज होती है, आप बिलीव मी कि सन टैनिंग फौरन से हो जाती है, आपका फेस जब फौरन से डल हो जाता है, आपकी फाइन लाइंस आ जाती हैं, आपके डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, और आपके स्किन पर जो पोर्स होते हैं ना वो वहीं जो है ना लॉक हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, आप लोग जब भी सन में जाएं, आप कुछ भी, आप तो इतनी अच्छी अच्छी बीबी क्रीम्स आ गई हैं उसमें भी SPF होता है हर चीज़ में, इवन कि आपको अच्छा अगर आप मॉइस्चराइज़र लेते हैं तो उसमें भी आपको SPF मिलेगा, और मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे आप खाना खाते हैं ना, खाना आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, तो इसी तरह SPF को भी आप बहुत इंपॉर्टेंट समझें और इसे आप अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। सो गाइस, स्किन केयर में ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, आपने जो है ना बिल्कुल भी सनस्क्रीन को स्किप नहीं। बस नेक्स्ट हमारी जो स्किन केयर से रिलेटेड मिस्टेक है वो ये है कि हम लोग अपनी स्किन को प्रॉपरली एक्सफोलिएट नहीं कर, स्क्रबिंग नहीं करते। तो जो एक्सफोलिएशन है वो हमारे स्किन केयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने इसको भी बिल्कुल नहीं स्किप। इसका पर्पज़ क्या होता है कि हमारी जो डेड स्किन होती है, डेड स्किन सेल्स होते हैं, उसको ये रिमूव करती है, आगे से जो है वो न्यू स्किन निकालती है, और वो जो न्यू स्किन आती है वो बहुत ग्लोई ग्लोई शाइनी और हेल्दी स्किन होती है। तो गर्ल्स, एक्सफोलिएशन में भी हमारी 2 मिस्टेक्स होती हैं, या तो हम बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएशन कर देते हैं या हम बहुत कम करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, यानी कि आपको प्रॉपरली करना है। तो गर्ल्स, एक्सफोलिएशन की भी एक लिमिट होती है, विद इन वीक आपने 1 टाइम करना है, आप लोग ज़्यादा आउटसाइड पर वर्क करते हैं तो फिर आप ट्वाइस अ वीक यूज़ करेंगे एक्सफोलिएशन, अच्छे से स्क्रबिंग करें। स्क्रबिंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे जो वाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, इसको रिमूव करने में हमारे पिंपल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ये आपने देखना है कि स्क्रबिंग में, एक्सफोलिएशन में भी बहुत ज़्यादा टाइप्स आ गए, यानी कि जैसे आपकी स्किन टाइप है, आपकी ऑयली स्किन है या आपकी ड्राई स्किन है या आपकी कॉम्बिनेशन है, जैसे भी आपकी स्किन है, तो ऑयली स्किन के लिए तो बेस्ट है कि आप चारकोल बेस पर जो बने होते हैं एक्सफोलिएटर यानी कि स्क्रबर्स, वो आप यूज़ करें, वो बहुत अच्छे होते हैं, उसमें बिल्कुल आप बारीक वाले जिसके पार्टिकल्स होते हैं वो आप लें, और वो ऑयली स्किन के लिए बेस्ट हैं। लेकिन आप अच्छा है आप हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर करें एक्सफोलिएट। एक्सफोलिएट में अगर आप इस स्किन केयर को अपनी डेली रूटीन
स्किन में फॉलो करना शुरू कर देना, तो आप देखिएगा कि आपकी स्किन जो है ना ऐसा ऐसा आप देखिएगा दिनों में, आपके चंद दिनों में आपकी स्किन जो है वो ग्लोई हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी, शाइनी हो जाएगी और आपके पिंपल्स भी खत्म हो जाएंगे, ऐसा ऐसा रिमूव हो जाएंगे डार्क सर्कल, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन वगैरह, एवरीथिंग जो जो आपके प्रॉब्लम्स है ना वो ऐसा ऐसा देखिएगा कैसे जो है ना वो कम होना शुरू हो जाते हैं। और एक टाइम आता है बिलीव में कि आपकी जो हर चीज़ है ना वो बिल्कुल फाइन हो जाती है और बिल्कुल जो आपको जो ग्लास स्किन वाला आपको सीन नज़र आ रहा होता है ना वीडियोज में, तो वो आपकी वो ग्लास स्किन ही बन जाती है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट मिस्टेक की। जो नेक्स्ट मिस्टेक है स्किन केयर से रिलेटेड वो ये है कि हम लोग अपनी स्किन को प्रॉपरली डिटॉक्सीफाई नहीं करते। यानी कि अब हम डिटॉक्सीफाई कैसे करें, वो ये है वो ऐसा करेंगे कि आप पानी जो है ना वो आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है वो 70% बॉडी जो है हमारी पानी पर डिपेंड कर रही होती है, यानी कि पानी पर बनी हुई है। तो पानी हमें बहुत ज़्यादा पीना है, 8 नहीं 10 नहीं 12 ग्लास आपको ज़रूर पीने हैं। गर्ल्स मतलब कोई मुश्किल नहीं है, आपको बस स्टार्ट में आदत बनानी है, स्लोली स्लोली आपको आदत हो जाती है तो फिर आपसे रहा भी नहीं जाता कि जब तक आपको पानी नहीं मिल रहा होता। तो पानी जो है ना वो बहुत अच्छा है स्किन केयर के लिए। मैं अपनी मतलब डेली रूटीन में पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इनटेक बहुत ज़्यादा है मेरा पानी का। और उसके बाद ये कि आपने डिटॉक्सीफाई इस तरह भी करना है पानी से भी, दूसरा आपने मल्टीविटामिन लेने हैं और ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और इन चीज़ों का जो है इनटेक ज़्यादा करना है। ये फास्ट फूड बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह इनको ज़रा साइड से करें, इनको भी यूज़ करें। मैं ये नहीं कहती कि इनको मत खाएं, लेकिन इनको बहुत कम अपनी डाइट में शामिल करें और ज़्यादा आप जो है ना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे आ जाएं। तो देखिएगा कि आप ये जो रोती है ना कि हमारी स्किन ख़राब हो रही है, मेरी भी एक टाइम में बहुत ज़्यादा ख़राब थी जब मेरी हैबिट्स अच्छी नहीं थी और मैं भी जो है ना ऐसी मिस्टेक्स करती थी, तो उस वक्त मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन ये कि स्लोली स्लोली जब मैंने अपनी हैबिट्स चेंज की तो फिर मेरी ऐसा ऐसा अपनी स्किन जो है वो अपनी जगह पर आ गई और अब माशाल्लाह मेरी स्किन जो है वो बहुत हेल्दी है। और अल्लाह का शुक्र है कि कोई पिंपल नहीं है, कोई स्किन का इशू नहीं है, बस लाइट लाइट से डार्क सर्कल्स हैं। और वो भी मुझे पता है कि मेरी गलती है कि मैं रात को जागती हूँ लेट नाइट, तो उस वजह से मेरे डार्क सर्कल्स बनते हैं। तो अब चलते हैं अपनी लास्ट मिस्टेक। लास्ट माई जो मिस्टेक है वो ये है कि यू डोंट टेक एक्सरसाइज रेगुलरली। अब आपको ये बात बहुत फजूल लगेगी कि स्किन केयर का क्या रिलेशन है हमारा एक्सरसाइज के साथ। स्किन केयर का एक्सरसाइज से ये लिंक है वो ये कि जब हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, हम लोग वॉक नहीं करते, हमारे फेस पर जब स्वेटिंग नहीं होती उससे हमारे जो पोर्स हैं वो क्लॉग रहते हैं, हमारे जो जो डेड स्किन होती है वो उसी तरह लॉक रहती है फेस पर, हमारे वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स जो हैं वो उसी तरह स्किन के अंदर ही रहते हैं, घुसे रहते हैं। तो या तो आप ये है कि आप फेस को स्टीम दें, स्टीम करके अपने पोर्स को ओपन करें, पोर्स को ओपन करके फिर आप अपनी एक्सफोलिएशन करें, प्रॉपर मसाज करें, एक्सफोलिएशन करें, फेस मास्क यूज़ करें, यानी कि जैसे फेशियल के स्टेप्स हैं उनको फॉलो करें, तो उससे भी आपकी स्किन जो है ना बहुत हद तक बेहतर होती है। तो फेशियल भी जो है ना वो 15 दिन बाद 20 दिन बाद जो है ना वो एक दफ़ा ज़रूर लेना चाहिए। इसके बाद एक्सरसाइज की हम बात कर रहे थे, तो एक्सरसाइज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज का फ़ायदा ये है कि ये नेचुरली आपको फेशियल देता है, यानी कि नेचुरल फेशियल है हमारा। इससे जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं फास्ट फास्ट, तो हमारे फेस पर स्वेटिंग होती है, हमारे पोर्स जो हैं वो ओपन होने से ये होता है कि हमारी जो डेड स्किन होती है वो भी रिमूव होती है, हमारी जो डर्ट वगैरह अंदर घुसी होती है स्किन में तो वो भी जो है बाहर आती है, रिमूव होती है। तो उसे उसके बाद फिर आपने ये कि कोई चीज़ आपने अप्लाई नहीं करनी, आप सिंपली अपना फेस वॉश कर लेते हैं फेस वॉश से। तो लेकिन ये कि गर्ल्स एक्सरसाइज करने के बाद आप फौरन से क्लींजिंग मत करें, आप फेस वॉश जस्ट कर लें तो वो इनफ होगा। तो आपने एक्सरसाइज मस्ट करनी है, अपनी स्किन को डिटॉक्सीफाई करना है, मतलब आपने हाइड्रेट रखना है स्किन को, उसके बाद आपने मेकअप लगाकर बिल्कुल नहीं सोना और अच्छी अच्छी अपनी हैबिट्स को अच्छा अच्छा कर लें, तो देखिएगा इंशाल्लाह आपकी स्किन जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। ये थी मेरी आज की जबरदस्त वीडियो, आई होप सो कि आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो थम्स अप जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और जनाब स्किन केयर मिस्टेक्स को तो आपने बिल्कुल भी दोहराना नहीं है, आपने अवॉइड करनी है। और अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, नेक्स्ट भी आपके लिए जबरदस्त इन्फॉर्मेटिव अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी मेकअप से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड। तो अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।